ग्लोबली तौर पे जहाँ पे यूथ ऑलरेडी ही डिस्ट्रैक्टेड है सोशल मीडिया एप्स और दूसरी तीसरी एक्टिविटीज की वजह, इसी दौरान में एक न्यू ऐप का इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इनोवेशन होता है, जिसका नाम है थ्रेड्स, जो कि फेसबुक मेटा की एक फ्रेंचाइज है जिसकी डिजिटल वॉर चल रही है ट्विटर के साथ। ट्विटर के पास ऑडियंस तकरीबन 300 से 400 मिलियन की है, जहाँ की उसकी अल्टरनेटिव देखा जाए तो फेसबुक यानी कि इंस्टाग्राम टोटल 2 बिलियन की ऑडियंस है और इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली इंस्टाग्राम से की जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये वॉर के अंदर फेसबुक जीतेगा या ट्विटर? और दूसरा, क्या आपकी नज़र में ये डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं? आखिर ये एक ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई है जहाँ पे कंटिन्यूसली अभी बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अभी तक का जितना भी पर्सनली मेरा क्रिटिक है, इस ऐप के अंदर किसी भी तरह का कुछ भी नॉलेजेबल और सेंसेबल एक्टिविटी नहीं चल रही, सब फन एक्टिविटीज चल रही हैं। कि एंटरटेनमेंट की हमारी यूथ को इतनी ज़रूरत है कि वो इनोवेशन को करना भूल गए हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार करें।